देखिए दोस्तों, गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले इसमें गुणा किया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स में गुणा करेंगे, माइनस आठ एक्स स्क्वायर होगा। इसको तोड़ा जाता है, इसको इस तरह तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर यहाँ पे माइनस दो आए। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो चार और दो में तोड़ेंगे, चार और दो में तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस फोर एक्स रखेंगे और प्लस टू एक्स, घट कर माइनस टू एक्स हो जाएगा, गुना करने में माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इससे उतार देना है। उसके बाद में दोनों में जो कॉमन दिखता है उसको कॉमन ले लेना है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे प्लस। उसके बाद इस दोनों में दो जो कॉमन है उसको ले लेना है। जैसे इस दोनों में कॉमन है, प्लस टू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ प्लस टू कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा माइनस फोर। अब ये दो, ये यहाँ तक और यहाँ तक दो पाँच दिख रहा है, इसमें दोनों में कॉमन है माइनस फोर, एक्स माइनस फोर एक्स लेंगे तो यहाँ मेरा बच जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ बराबर जीरो है। इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका, एक बार एक्स माइनस फोर बराबर जीरो करेंगे तो एक एक्स बराबर आ जाएगा प्लस, फिर एक बार एक्स माइनस एक्स प्लस टू लेंगे बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस टू। आइए अब दूसरे क्वेश्चन के साथ लेकर चलते हैं। जैसे दिया छः एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, इसको पहले सही क्रम में सजा लेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस सात एक्स है तो इसको इधर ले आएंगे, आई थ्री है तो उसको उधर ले जाएंगे। जैसे बराबर जीरो, अब इसको इसको गुना कर देंगे। जैसे इसको इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा अठारह एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे नौ कोमा दो में तोड़ेंगे, जैसे छः एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस दो माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसमें इसमें जो कॉमन है उसको ले लेंगे। जैसे इसमें माइनस थ्री कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी माइनस थ्री हो जाए कॉमन आ जाएगा। यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो तीन दो छः दो एक्स, आ इसमें आपका आ जाएगा माइनस थ्री प्लस। इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इसमें एक कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन एक कॉमन लेंगे टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये दोनों में यहाँ तक में दो पार्ट है, ये वाला अंदर वाला पार्ट सेम है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ये मेरा आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स सॉरी थ्री एक्स प्लस वन, अब इक्वल टू जीरो को एक बार इसके बराबर जीरो कर देंगे, एक बार इसके बराबर जीरो कर देंगे, इसके बराबर जीरो करेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर कितना थ्री बाई टू आ जाएगा एक, और दूसरा आपका आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आई एक्स है गुना में तो भागा में आएगा तो भागा माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन के साथ लेकर चलते हैं। तीन नंबर प्रश्न, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें बी का मान नहीं दिया है, बी का मान दिया है सॉरी सी का मान इसमें नहीं दिया है, तो इसमें दूसरा टाइप लगेगा। इसमें दोनों में कॉमन दिख कौन रहा है, जैसे इसमें फोर है इसमें एट है, तो इसमें दोनों में कॉमन फोर है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, तो ये दोनों में कॉमन एक्स ले सकते हैं। जैसे आप फोर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू आ जाएगा इक्वल टू जीरो। एक बार जीरो के बराबर इसको कर देंगे फोर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो आ जाएगा। दूसरा एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू लेंगे इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर माइनस टू आ जाएगा। आइए अब चौथे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। टी स्क्वायर माइनस पंद्रह इक्वल टू जीरो, इसमें बी का मान शून्य दिया है, इसमें सी का मान माइनस पंद्रह दिया है, ए का मान टी स्क्वायर दिया है। जैसे बराबर के बाहर हम कोई भी अंक ले जाते हैं तो उसका वेरिएबल चिन्ह बदल जाता है। जैसे इसमें माइनस पंद्रह है तो बराबर इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पंद्रह प्लस हो गया। दोनों को वर्क करेंगे ऐसे कट जाएगा
इसे वर्ग चढ़ जाएगा। जैसे यहाँ से आ जाएगा आपका रूट अंदर 15। कोई भी अंक का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है। जैसे यहाँ पे टी का वर्गमूल निकालेंगे माइनस 15 का, तो प्लस और माइनस रूट 15। इसलिए टी का मान हो जाएगा एक, टी का मान हो जाएगा एक प्लस 15, रूट अंडर एक हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15।